उसके रहबर को पहचान नहीं पा रही है और उसके रहबरी को तस्लीम नहीं कर पा रही है। वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके यहाँ तो 18% है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जहाँ 7% है, जहाँ मुसलमान 7% है, लेकिन आप जितने डरे हो उतने वो लोग डरे हुए नहीं है। इसलिए कि उनके दिलों से मैंने डर को निकाल दिया है। सन जैसी 1000 संस्था आ जाए हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम 313 थे तो रास्ता था जमाना, हम 313 थे तो रास्ता था जमाना, आज हम करोड़ों है तो करते हैं गुलाम। क्योंकि आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक तूफान से टकराने वो आंधी आया है, हर एक तूफान से टकराए वो आंधी आया है और नए अंग्रेज से लड़ने नया गांधी आया। लंबे समय से राजनीति में मैं भी रहा हूं और लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घूम करके मुबारकपुर की सवनीर पर मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा। लगातार जनता ने मेरा सपोर्ट किया, मैं दो बार लगातार जीतता रहा। लेकिन ये आपने बेदारी का जो नारा लगाया है वो लाइक के मुबारकबाद है। मैं तो यही कहना चाहूंगा मुसलमानों से कि मुसलमानों बेदार हो, बेदार हो, बेदार हो, इसलिए कि जो बेदार होगा वो रोबदार होगा, जो बेदार होगा वो रबादार होगा, जो बेदार होगा वो जिम्मेदार होगा, जो बेदार होगा वही जमाने का सरदार होगा। आज संघ परिवार के लोग सरदार बने हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लोगों को कल्चर और सोसाइटी के एतबार से बेदार किया। मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रशांत किशोर जी से हरेवा में हुई थी। मैंने इनकी गुफ्तगू को सुना और बहुत ही अच्छा लगा। सर ने ये कहा है कि जो बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी है उसमें कोई संकोच हो, कोई सवाल हो तो रखो। आपने इस अंदाज से बात रखी है कि आपकी बातों पर सवाल खड़ा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई लोग अगर सवाल करने के लिए खड़े हो रहे तो गलत है। क्योंकि आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक तूफान से टकराने वो आंधी आया है, हर एक तूफान से टकराए वो आंधी आया है और नए अंग्रेज से लड़ने नया गांधी आया। लंबे समय से राजनीति में मैं भी रहा हूं और लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घूम करके मुबारकपुर की सवनीर पर मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा। लगातार जनता ने मेरा सपोर्ट किया, मैं दो बार लगातार जीतता रहा। लेकिन ये काम अभी तक नहीं छोड़ा हूँ इंसान को बेदार करने का। आपने बेदारी का जो नारा लगाया है वो लाइक के मुबारकबाद है। मैं तो यही कहना चाहूंगा मुसलमानों से कि मुसलमानों बेदार हो, बेदार हो, बेदार हो, इसलिए कि जो बेदार होगा वो रोबदार होगा, जो बेदार होगा वो रबादार होगा, जो बेदार होगा वो जिम्मेदार होगा, जो बेदार होगा वही जमाने का सरदार होगा। परिवार के लोग सरदार बने हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लोगों को कल्चर और सोसाइटी के एतबार से बेदार किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं गांधी जी की बात। माननीय आपने फरमाया था, गांधी जी का एक वक्त मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आजादी का दौर दौड़ा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसे माहौल में बहुत सारी संस्थाएं थी जो गांधी की आवाज से आवाज मिला करके अपना काम अपने अंदाज में कर रहे थे। लेकिन एक बार अंग्रेज का लॉर्ड कर्जन ने रात के आधे हिस्से में ये सोचा कि दिनों दिन हम मार खाते जा रहे हैं, गांधी की आवाज बुलंद होती जा रही है, चलो आज देखते हैं रात के अंधेरे में गांधी कर क्या रहा है। जब रात के अंधेरे में साबरमती नदी के किनारे एक कुटिया में गांधी जी बैठे हुए थे, हम लोग बड़े बड़े मोहल्लात में बैठ कर वो नहीं सोचते हैं जो कुटिया में बैठ कर गांधी ने सोचा था। देखा कि वो कुटिया में बैठे हुए हैं। जब लॉर्ड कर्जन ने देखा तो उसने देखा कि वो सर पे हाथ रख करके जगे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा, गांधी जी क्या कर रहे हो? कहा, बस बैठा हूं, कुछ सोच रहा हूं। कहा, पूरी दुनिया के लोग आज रात के आधे हिस्से में सो जाते हैं, आप अभी तक जगे हुए हैं। गांधी ने ये कहा कि जिसका कौम, जो कौम सो जाए उसके रहबर का जागना जरूरी है, जिसकी कौम सो जाए उसके रहबर का जागना जरूरी है। तुम्हारी कौम जागी हुई है, तुम जाके सो जाओ। मेरी कौम सोई हुई है, इसलिए मेरा जागना जरूरी है। जिस कौम, जो कौम सो जाए उसका रहबर भी सो जाता है, उसका
कौम का सत्यानाश हो जाता है। आज हमारी दुर्दशा जो ये हो रही है सर, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारी तो कौम सोई हुई है ही बरसों से, हमारे रहबर भी सोए हुए हैं। जो रास्ते पर हमें चलने का तरीका सिखाया था हमारे रहबरों ने, आज उस रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे। आखिरी बात एक बता देना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि इतने वार्ड मेंबर क्यों नहीं हुए आपके, इतना मुखिया क्यों नहीं हुआ आपका, इतना सरपंच क्यों नहीं हुआ आपका, विधायक सांसद की बात छोड़ दो, वहां तक बहुत ना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ सर होता क्या है, देखिए इलेक्शन को मुसलमानों ने पोजीशन समझ लिया है। इलेक्शन को जहां बेदार लोग है राजनीति में, सियासी एतबार से जहां मुसलमान बेदार है, वो इलेक्शन को पोजीशन समझ लिया है। जहां एक मुसलमान खड़ा होगा वहां चार वो खड़ा हो जाएगा। हालांकि उनकी हालत को अपनी स्थिति का पता है कि मैं 200 लाऊंगा कि 400 लाऊंगा कि 500, लेकिन वक्त दौलत गाड़ी सब कुछ हवा में उड़ाता है, सोचता है कि ये पोजीशन है हमारी, इसी वजह से थोड़ा कम आते हैं। वरना रहबरी को अगर तस्लीम कर दे, जैसा आपने कहा है, ये कौम अपने रहबर को पहचान नहीं पा रही है और उसके रहबरी को तस्लीम नहीं कर पा रही है। वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके यहाँ तो 18% है, मैं वहां काम कर रहा हूँ जहाँ 7% है, जहाँ मुसलमान 7% है, लेकिन आप जितने डरे हो उतने वो लोग डरे हुए नहीं है। इसलिए कि उनके दिलों से मैंने डर को निकाल दिया है। संघ जैसी 1000 संस्था आ जाए हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम 313 थे तो लड़ता था जमाना, हम 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है तो करते हैं गुलामी।